वेलकम टू ट्राके विदेशियस। दोस्तों 11 जुलाई को मैंने ये एक वीडियो बनाया था, 11 जुलाई को मतलब दो दिन पहले, और यहाँ पे 3 नोटिस जारी किए जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी थी। कौन कौन से ये नोटिस होंगे इसकी भी जानकारी दी थी, और ये भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी थी। इसके अलावा आज भी मैंने एक वीडियो बनाया कि आज नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी मैंने डाल दिया था कि देखिए वीडियो की आंसर की और जूनियर असिस्टेंट का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो देखिए, वीडियो की आंसर की और जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पदों का विज्ञापन है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। ठीक है, तो तीनों नोटिस यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं और आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी एकदम सही और सच साबित हुई है फिर से एक बार, और यहाँ पे जितनी बार भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है हमेशा लगभग सही जानकारी दी है और हमेशा सच साबित हुई है। तो ये देखिए, ये 13 जुलाई 2023 का नोटिस है, UPSC की तरफ से जारी किया गया है। ये विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2018, ये चार शिफ्ट की ये आंसर की जारी कर दी गई है, वेबसाइट पे पड़ी हुई है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा बाद में, आप लोग आंसर की मिला सकते हैं, वीडियो की आंसर की, वीडियो री एग्ज़ाम की आ चुकी है। दूसरा नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 1262 पद मैंने बताया था पहले ही, 1262 पदों का ये ऑफिशियल नोटिस है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। देखिए ये 13 जुलाई 2023 का नोटिस है, UPSC की तरफ से जारी किया गया है, आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2022, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कट ऑफ गई है, अनारक्षित की गई है 71.87, अनुसूचित जाति की गई है 69.06, अनुसूचित जनजाति की 54.53, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 71.87 ये, और EWS की 71.87। EWS OBC की बराबर गई है और अनारक्षित की भी बराबर गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय आरक्षण के हिसाब से कटाव लगाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये JEE 16 से रिलेटेड ये नोटिस जारी किया गया है, ये 43 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की परीक्षण, ठीक है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा दिया गया है, और 25/7/2023 से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये रोल नंबर दिए गए हैं और ये यहाँ पे 43 अभ्यर्थियों की सूची दी गई है, ठीक है, ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी एकदम सही और सटीक साबित हुई है, अभी तक जो भी जानकारी देता रहा हूँ आप लोगों को सही साबित हुई है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।